वेलकम टू द बिजनेस स्टडीज क्लास टुडे वी विल डिस्कस अबाउट स्टार्टअप इंडिया स्कीम स्टार्टअप इंडिया स्कीम इंडिपेंडेंस डे के ओकेजन पर 15th अगस्त टू थाउजेंड फिफ्टीन को अनाउंस की गई थी और ये किसने अनाउंस की थी किसने स्टार्ट की थी हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी ने स्टार्ट की थी इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था इसका मेन ऑब्जेक्टिव था जो हमारा स्किल्ड यूथ है स्किल्ड यंग जनरेशन है उसको इंस्पायर करना इंकरेज करना ताकि वो कुछ नई टेक्नोलॉजी डेवलप कर सके कुछ इनोवेटिव वर्क कर सके और उन्हें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हो सके इसलिए ये स्कीम स्टार्ट की गई थी मींस ऑल ओवर इसका जो पर्पस था वो स्मॉल एंट्रप्रेन्योर्स को मोटिवेट करना था उन्हें हर तरह से हेल्प प्रोवाइड करवानी थी तो स्टार्टअप इंडिया स्कीम क्या है इट रेफर्स टू द गवर्नमेंट स्कीम ये गवर्नमेंट स्कीम है अंडर विच फाइनेंशियल एंड अदर असिस्टेंस आर प्रोवाइडेड टू द यंग एंटरप्रेन्योर्स इसमें फ़ाइनेंशियल हेल्प तो प्रोवाइड करवाई जाती है उसके साथ साथ और तरह की हेल्प भी प्रोवाइड करवाई जाती है किसको हमारे यंग या एंटरप्रेन्योर्स को इन ऑर्डर टू कन्वर्ट द इनिशियेटिव टू बी टेकन बाई दैम इन रियलिटी ताकि उन्होंने जो इनिशियेटिव लिया है उसको रियलिटी में कन्वर्ट किया जा सके मीन्स उन्हें हर तरह से हेल्प प्रोवाइड करनी है फाइनेंशली और नॉन फाइनेंशियली तो ये हमारी स्टार्टअप इंडिया स्कीम का मेन पर्पज था अब स्टार्टअप क्या है इसमें स्टार्टअप के अंडर कौन सी बिजनेस यूनिट्स आती हैं दैट वी हैव टू सी कंडीशन टू कंसिडर अजनेस यूनिट एज स्टार्टअप अब स्टार्टअप के अंदर कौन सी बिजनेस यूनिट को कंसिडर किया जाएगा किसी इस स्कीम के अंदर हेल्प प्रोवाइड की जाएगी फर्स्ट द रजिस्ट्रेशन ऑफ द बिजनेस शुड बी एनी वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स जो बिजनेस का रजिस्ट्रेशन है वो इनमें से किसी एक फॉर्म में किया होना चाहिए या तो वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की फॉर्म में रजिस्टर्ड हो या वो पार्टनरशिप फॉर्म की फॉर्म में रजिस्टर्ड हो या वो लिमिटेड लैबलिटी पार्टनरशिप फॉर्म की फॉर्म में रजिस्टर्ड होनी चाहिए तभी वो क्या होगी स्टार्टअप इंडिया स्कीम के अंडर उसे असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी सेकेंड कंडीशन है मोर देन सेवन ईयर्स इन केस ऑफ जनरल यूनिट्स एंड मोर दैन टेन ईयर्स इन द केस ऑफ बायो टेक्निकल टेक्नोलॉजिकल यूनिट शुड हैव नॉट शुड नॉट हैव पासड आफ्टर द रजिस्ट्रेशन और इनकॉरपोरेशन ऑफ द कंसर्ड यूनिट इन इंडिया अगर वो एक जनरल यूनिट है तो सेवन ईयर से ज़्यादा ना हुआ हो उसको रजिस्टर्ड हुए हुए इनकॉरपोरेट हुए हुए और अगर वो बायो टेक्नोलॉजिकल यूनिट है तो मैक्सिमम टेन ईयर्स हुए हों टेन ईयर्स से ज़्यादा पास ना हुए हों उसके रजिस्ट्रेशन हुए उसको इनकॉर्पोरेशन हुए मीन्स एक जनरल यूनिट के केस में मैक्सिमम सेवन इयर्स हुए हों उसको एस्टेब्लिश हुए उसको रजिस्टर्ड हुए, हुए और एक बायोटेक्नो बायो यूनिट है तो उसको मैक्सिमम टेन इयर्स हुए हों हु, रजिस्टर्ड हुए या इनकॉर्पोरेट हुए तभी वो स्टार्टअप के अंदर आएगी इन एनी फाइनेंशियल ईयर द टर्न ओवर शुड नॉट एक्सीडिंग रुपीज हंड्रेड करोड़ किसी भी फाइनेंशियल ईयर में इसको टर्न ओवर है टर्न ओवर मींस जो उसकी सेल्स है वो हंड्रेड करोड़ रुपीज से ज्यादा नहीं होनी चाहिए हंड्रेड करोड़ रुपीज से ज्यादा नहीं होनी चाहिए उसकी जो पूरी फाइनेंशियल ईयर का जो सेल्स है वो हंड्रेड करोड़ तक हो सकता है मैक्सिमम इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए नेक्स्ट इज द बिजनेस शुड हैव बीन एस्टेब्लिश विद द एम ऑफ डेवलपिंग ए न्यू प्रोसेस थिंग सर्विस और ब्रिंगिंग अबाउट एन इम्पॉर्टेंट चेंज इन इन द कर अब बिजनेस का पर्पज़ क्या है किस पर्पज से वो एस्टैब्लिश हुई थी कि या तो वो क्या कर रही है कोई नया प्रोसेस कोई नया प्रोडक्ट या कोई नई सर्विसेस डेवलप कर रही है इस एम से वो एस्टैब्लिश हुई या वो जो करंटली जो भी वो प्रोसेस फॉलो कर रही है या प्रोडक्ट बना रही है या सर्विस प्रोड्यूस कर रही है उसमें कोई नया ऐसा चेंज लाने वाली कोई इनोवेटिव चेंज लाने वाली है देन इट विल कम अंडर स्टार्टअप इंडिया स्कीम द बिजनेस शुड नॉट बी द रिजल्ट ऑफ स्प्लिटिंग और रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ सम करंट बिजनेस यूनिट और जो बिजनेस यूनिट है वो किसी करंट बिजनेस यूनिट को स्प्लिट या रिकंस्ट्रक्ट करके ना बनाई गई हो वो बिजनेस यूनिट एक सेपरेट बिजनेस यूनिट होनी चाहिए किसी करंट बिजनेस को स्प्लिट करके या रिकन्स्ट्रक्ट करके बनाई गई बिजनेस यूनिट नहीं होनी चाहिए सो so, जो ये सब फाइव कंडीशंस को फॉलो करता है दे विल कम अंडर स्टार्टअप स्कीम नेक्स्ट वी विल डिस्कस फीचर्स ऑफ स्टार्टअप कि स्टार्टअप स्कीम की फीचर्स क्या हैं फर्स्ट इनोवेटिव डेवलपमेंट जो स्टार्टअप स्कीम है उसका मेन जो पर्पज़ है वो ऐसे बिज़नेस को इनक्रेज करना है ऐसे बिजनेस यूनिट को मोटिवेट करना है जो कुछ इनोवेटिव काम कर रही हैं और उन्हीं के उन्हीं को हेल्प करने के लिए ये स्कीम स्टार्ट की गई थी अब इनोवेशन का क्या मतलब है इनोवेशन मींस डेवलपिंग अ न्यू प्रोसेस न्यू प्रोडक्ट न्यू सर्विसेज कोई नया प्रोडक्ट डेवलप करना कोई नया प्रोसेस डेवलप करना या कोई नई सर्विसेज डेवलप करना या जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हमारे प्रोसेस प्रोडक्ट या सर्विसेज है उसमें कुछ इम्पोर्टेंट चेंज लाना दैट इज कॉल्ड इनोवेशन नेक्स्ट फीचर ऑफ स्टार्टअप इज नर्चरिंग एंटरप्रेन्योरशिप जो स्टार्टअप इंडिया स्कीम है उसका मेन पर्पज़ था कि जो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको हेल्प प्रोवाइड करना ताकि उनको मोटिवेशन मिले एंटरप्रेन्योरशिप के लिए क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप में एंटर करना एक रिस्की वर्क होता है ठीक है तो इसलिए जो हमारी यंग जनरेशन है वो उसको क्या करती है अवॉइड करती है तो इसलिए ये स्टार्टअप इंडिया स्कीम स्टार्ट की गई थी ताकि उन्हें इनक्रेज किया जा सके मोटिवेट किया जा सके एंटरप्रेन्योरशिप में एंटर करने के लिए नेक्स्ट फीचर इज़ रिलेटेड विद लिमिटेड एरिया जो स्टार्टअप इंडिया स्कीम है ये मेनली स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स के लिए है इसमें इसकी कुछ सेल लिमिट भी रखी गई है और कुछ टाइम लिमिट भी रखी गई है बिज़नेस को बिजनेस के एस्टेब्लिशमेंट के लिए सो so, वही बिज़नेस यूनिट स्टार्टअप के अंडर आएंगी जिनका जो टर्नओवर है वो फाइनेंशियल किसी भी फाइनेंशियल ईयर में हंड्रेड करोड़ से ज़्यादा ना हो और मोर देन सेवन ईयर्स ना हुए हो अगर वो जनरल यूनिट है उसको एस्टैब्लिश हुए उसका इनकॉर्पोरेशन हुए रजिस्ट्रेशन हुए और मोर देन टेन ईयर्स ना हुए हो अगर वो या अगर वो एक बायो टेक्नोलॉजिकल यूनिट है सो so, इस तरह की ही बिजनेस यूनिट को स्टार्टअप के अंदर कंसीडर किया जाएगा मिनिमम लीगल कॉम्प्लेक्सिटी स्टार्टअप स्कीम के अंदर आने वाली आने वाले स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को एक ये स्पेशल फैसिलिटी भी दी गई है कि मिनिमम लीगल कॉम्प्लेक्सिटी उनको फेस करनी पड़ेगी फॉर एग्जांपल कि जब लेबर लॉज है उसका थ्री इयर्स से पहले कोई इंस्पेक्शन नहीं होगा इसी तरह की और कई कॉम्प्लेक्सिटी है जो कम कर दी गई हैं स्टार्टअप इंडिया स्कीम के अंडर डेक्लेशन ऑफ फाइनेंशियल बेनिफिट्स इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने कुछ रिबेट्स भी अलाउ की हैं स्टार्टअप इंडिया स्कीम के अंडर बिजनेस यूनिट्स को वो रिबेट्स क्या हैं फर्स्ट रिबेट है कि अगर कोई स्टार्टअप स्कीम के अंडर जो बिज़नेस यूनिट आती है अगर वो क्या करती है पेटेंट पर कोई एक्सपेंडिचर करती है कोई पेटेंट किया है उसने लिया है ठीक है और उस पर एक्सपेंडिचर करती है कोई खर्च करती है तो उसका जो एट्टी परसेंट होगा एक्सपेंडिचर का उसका एटी परसेंट पर उसे रिबेट मिलेगी और इसके साथ साथ उसे इनकम टैक्स में भी रिबेट मिलेगी और कैपिटल गेन टैक्स में भी रिबेट मिलेगी रिबेट का मतलब होता है छूट मिलेगी मीन्स उसे इनकम टैक्स में भी भी कम पे करना पड़ेगा और कैपिटल गेन टैक्स भी कम पे करना पड़ेगा अब कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है कैपिटल गेन टैक्स का मतलब है कि फिक्स्ड एसेट को सेल करके जो हमें गेन होता है उसको कैपिटल गेन कहते हैं या जो हमारे शेयर्स होते हैं इन्वेस्टमेंट्स होती हैं उनको सेल करने पर जो प्रॉफिट होता है उसको कैपिटल गेन कहते हैं तो इन गेन पर भी टैक्स पे करना पड़ता है तो स्टार्टअप्स को इनकम टैक्स में भी रिबेट मिलेगी उसमें भी छूट मिलेगी और कैपिटल गेन टैक्स में भी छूट मिलेगी और साथ साथ अगर उसने पेटेंट पर कोई एक्सपेंडिचर किया है तो उसके एट्टी परसेंट एक्सपेंडिचर का जो एट्टी परसेंट है उस पर भी उसे रिबेट दी जाएगी और ये सब किस लिए दी जा रही है रिबेट्स उनको इनक्रेज करने, करने के लिए दी जा रही है मोटिवेट करने के लिए दी जा रही है नेक्स्ट इज इजी रजिस्ट्रेशन स्टार्टअप के अंडर रजिस्टर्ड होने के लिए जो प्रोसेस है बहुत ही सिंपल है और अब तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है मोबाइल ऐप स्टार्ट कर दिया है पोर्टल स्टार्ट कर दिया है अप्रैल वन टू थाउजेंड सिक्सटीन को तो स्टार्टअप स्कीम के अंडर रजिस्ट्रेशन क्या किया जा सकता है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है और ये एक दिन में ही पॉसिबल हो जाता है ये काम एक ही दिन में रजिस्ट्रेशन का वर्क ख़त्म हो जाता है तो जो रजिस्ट्रेशन है इट हैज़ बिकम वेरी इजी अंडर स्टार्टअप नेक्स्ट इज स्टार्टअप स्पोर्ट हब जो मिनिस्ट्री ऑफ एचआर है एच आर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है उसने और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने ज्वाइंटली मिलकर ये डिसाइड किया है कि वो स्टार्टअप स्पोर्ट हब स्टार्ट करेंगी डिफरेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर और उन्होंने कुछ हब स्टार्ट सेटअप भी किए हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में वो कौन से एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं जिनमें स्टार्टअप स्पोर्ट हब स्टार्ट किए गए हैं वो है नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च एंड नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च तो इन सभी इंस्टीट्यूट में स्टार्टअप स्पोर्ट हब भी एस्टेब्लिश किए गए हैं नेक्स्ट इज गवर्नमेंट फंडिंग अब गवर्नमेंट क्या हेल्प और प्रोवाइड कर रही है फाइनेंशियली हेल्प क्या प्रोवाइड कर रही है स्टार्टअप को इंकरेज करने के लिए फर्स्ट फोर ईयर्स में उनका एम है टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड करोड़ रुपीज़ हेल्प करने का एवरी ईयर और इसके अलावा गवर्नमेंट ने एक प्रोविज़न बनाया है टेन थाउजेंड करोड़ रुपीस का भी और इसके अलावा गवर्नमेंट ने वन पॉइंट टू लैक बैंक ब्रांचेस को डायरेक्शंस दी है को ऑर्डर दिए हैं कि उन्हें कम से कम एक ऐसे एंटरप्रेन्योर को फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करनी है जो स्टार्टअप स्कीम के अंदर आता है तो ईच बैंक विल हेल्प एट लीस्ट फाइनेंशली हेल्प एटलीस्ट वन एंट्रप्रेन्योर अंडर स्टार्टअप स्कीम अब एक बैंक भी एक एंटरप्रेन्योर को हेल्प करेगी तो टोटल वन पॉइंट टू फाइव लैख ब्रांच को बैंक ने ऑर्डर गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया तो टोटल कितने एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प मिलेगी वन पॉइंट टू फाइव लाख यूनिट्स को हेल्प मिलेगी और इसके अलावा फर्दर डायरेक्शंस ये भी दी गई हैं कि जिनको वो हेल्प फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड कर करवा रहे हैं उसमें इंक्लूड होना चाहिए कम से कम एक ट्राइबल एंटरप्रेन्योर या दलित एंटरप्रेन्योर या वुमेन एंटरप्रेन्योर दलित एंटरप्रेन्योर तो होता है जो लो कास्ट से रिलेटेड जो एंटरप्रेन्योर होते हैं ठीक है उन्हें हेल्प में से एक ऐसा जरूर होना चाहिए जो या तो ट्राइबल एंटरप्रेन्योर हो या दलित एंटरप्रेन्योर हो या वुमेन एंटरप्रेन्योर हो तो लाइक दिस गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल ऑल टाइप्स ऑफ हेल्प टू द स्टार्टअप दिस इज ऑल अबाउट द फीचर्स ऑफ स्टार्टअप स्कीम नेक्स्ट यूल डिस्कस द प्रोसेस ऑफ गेट रजिस्ट्रेशन अंडर स्टार्टअप अगर स्टार्टअप के अंडर हमें रजिस्ट्रेशन कराना है किसी बिजनेस यूनिट को तो उसका क्या प्रोसेस है तो प्रोसेस बहुत ही सिंपल है और जैसा कि अभी हम हमने डिस्कस किया था कि ऑनलाइन हम रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं तो कैसे करवाएंगे हम रजिस्ट्रेशन लेट एस सी फर्स्ट इज़ इनकॉरपोरेशन ऑफ बिजनेस तो सबसे पहले जो प्रोसीजर है इनकॉरपोरेशन ऑफ द बिजनेस का तो किस फॉर्म में बिज़नेस इनकॉरपोरेट होना चाहिए या तो पार्टनरशिप फॉर्म की फॉर्म में या पब्लिक सॉरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की फॉर्म में या लिमिटेड लाइवलिटी पार्टनरशिप की फॉर्म में जो नॉर्मल प्रोसेस इनकॉर्पोरेशन का पहले तो उसका इनकॉर्पोरेशन हुआ होना चाहिए सेकेंड गो टू द स्टार्टअप इंडिया वेबसाइट अब रजिस्ट्रेशन कराना है स्टार्टअप के अंडर तो उसके लिए क्या करना होगा जो स्टार्टअप इंडिया वेबसाइट है वहां जाना होगा और वहाँ एक फॉर्म अवेलेबल होगा उस फॉर्म में जो भी इंफॉर्मेशन पूछी जाएगी जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो फिल करनी होगी नेक्स्ट स्टेप है अपलोडिंग द डॉक्यूमेंट्स अब फॉर्म फिल करने के अलावा कुछ डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने के लिए कहा जाता है स्टार्टअप्स को ठीक है वो आ, कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो उन्हें अपलोड करने पड़ते हैं लेटर सी फर्स्ट इज़ लेटर ऑफ रिकमेंडेशन अब किस चीज़ का लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए कि जो वो बिज़नेस है वो इनोवेटिव नेचर का कुछ बिज़नेस कर रही है इसका भी क्या चाहिए एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए और वो कोई ऑथराइज्ड ऑफिस इशू करेगा वो हमें क्या करना होगा वो लेटर अपलोड करना होगा नेक्स्ट हमें अपलोड करना होगा उस स्टार्टअप को द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द बिजनेस बिजनेस के रजिस्ट्रेशन का जो सर्टिफिकेट है बिजनेस के पास वो अपलोड करना होगा एंड अ ब्रीफ़ डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिजनेस बिजनेस के बारे में एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन भी अपलोड करनी होगी बिजनेस के रिलेटेड नेक्स्ट अ लेटर ऑफ अवेलिंग टैक्स बेनिफिट अगर बिजनेस को स्टार्टअप के अंदर टैक्स बेनिफिट लेना है टैक्स में रिबेट चाहिए तो उसे एक तो वो स्टार्टअप जो है सर्टिफाइड होनी चाहिए इन इं, इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड से और उसे जो सर्टिफिकेट मिला है वो भी उसे क्या करना होगा अपलोड करना होगा नेक्स्ट इज सेल्फ सर्टिफाइड कंडीशंस इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी हैं जो उसे खुद ही सर्टिफाई करनी होंगी वो कौन सी हैं द टाइप ऑफ बिजनेस यूनिट किस टाइप की वो बिज़नेस यूनिट है ड्यूरेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट क्या है मतलब कितने टाइम हो चुका है उसको इस्टेब्लिश हुए क्वांटम ऑफ टर्न उस बिजनेस का फाइनेंशियल ईयर में टर्न कितना है कितनी सेल्स है मतलब उसकी एनअल सेल्स इनोवेटिव नेचर ऑफ बिजनेस किस तरह से ये बिजनेस इनोवेटिव काम कर रहा है क्या नया कर रहा है द स्टेटस ऑफ स्प्लिटिंग एंड रिकन्स्ट्रक्शन और ये भी सर्टिफाई करना होगा कि जो बिज़नेस यूनिट है वो स्प्लिटिंग या रिकन्स्ट्रक्शन का रिजल्ट नहीं है तो इसका भी उसे प्रूफ देना होता है तो ये सब चीज़ें एंटरप्रेन्योर को ख़ुद ही सर्टिफाई करनी है कि किस तरह का बिज़नेस यूनिट है कितना टाइम हो गया उसको अस्टैब्लिश हुए कितनी उसकी टोटल सेल्स है एनुअल सेल्स है किस तरह का इनोवेटिव नेचर का वो बिज़नेस कर रहा है और वो कोई स्प्लिटिंग से या रिकन्स्ट्रक्शन से इस्टेब्लिश हुआ बिजनेस नहीं है लास्ट इज़ गेटिंग रिकॉग्निशन नंबर जब ये सारी इंफॉर्मेशन जो फिल कर दी जाती हैं स्टार्टअप के अंडर जो चीज़ें अपलोड करने के लिए बोला गया था वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए जाते हैं मीन सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर दी जाती है तो उसके बाद एक स्टार्टअप रिकग्नीशन नंबर दिया जाता है और स्टार्टअप रिकग्निशन नंबर कैसे दिया जाएगा जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा ये जो सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने का है तो जो एप्लीकेंट है जिसने जो क्या क्या चाहता है इसके अंदर रजिस्टर्ड होना चाहता है उसे एक स्टार्टअप रिकॉग्निशन नंबर दिया जाएगा और जो सर्टिफिकेट है रिकॉग्निशन का वो कब इशू किया जाएगा जब वो जितनी भी इंफॉर्मेशन आपने उसने बिज़नेस यूनिट अवेलेबल कराई है जितने भी उसने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं उसकी स्क्रूटनी होगी पहले जांच पड़ताल होगी ठीक है उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ़ रिकॉग्निशन ईशू किया जाएगा बट अगर स्क्रूटनी में ये मिलता है कि इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट फ़ेक था या कोई भी इंफॉर्मेशन फ़ेक अवेलेबल करवाई गई है तो उसे हैवी फाइन भी पे करना पड़ सकता है. तो सर्टिफिकेट ऑफ रिकोगग्नीशन के लिए कंपलसरी है कि जो भी आप जो भी बिजनेस यूनिट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल करवाती है जो भी वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड कराती है वो ओरिजिनल होने चाहिए वो फेक नहीं होने चाहिए ट्रू होने चाहिए अगर वो फेक हैं ठीक है थीके, तो कितना भी हैवी फाइन उसके ऊपर लगाया जा सकता है तो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रोसेस टू गेट रजिस्ट्रेशन अंडर स्टार्टअप